नमस्कार किसान भाई, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने खेत बहुत देखे हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा खेत जहां बनते हैं ये मल्टी थ्रेसर। क्रॉप थ्रेसर। एनवीटी कंपनी के खेत हम आए हुए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार जी। अपने खेत के बारे में बताइए सर। सर ये तो आपने कहा है, और ये अपना जो दो यूनिट है अपने एनवीटी के, जी। एक जो एलनाबाद के अंदर है और दूसरा अपने ये फार्म हाउस पे है। तो यहाँ पर डे अपने 10 से 12 थ्रेसर बनते हैं। जी। तो जैसे आपने ये बोला कि मक्के के देखे होंगे, ज्वार बाजरे के खेत देखे होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे लग रहा है जैसे थ्रेसरों का भी खेत होता है, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल पूरे जी, थ्रेसर ही थ्रेसर है। थ्रेसर ही थ्रेसर है हाँ जी, जी। ये हमारे क्या है, फैक्ट्री में हम हमारे थ्रेसर का हर एक प्रोडक्ट जो जी खुद तैयार करते हैं, अच्छा जिसमें आप छोटे से छोटा अगर एलिवेटर का गियर मानो, हाँ एलिवेटर मानो जी या रिवर्स गियर इसके अंदर आता है, वो जी झलना, इनके छोटे से छोटी आइटम भी हम खुद अपना खुद तैयार खुद करते हैं बनाते हैं, तो इससे उसके। क्वालिटी अच्छी बन हाँ जाती है जी। जी। और तो उसके बाद में जो भी जैसे टायर लगाओ, बेल्ट, पुली, वो जी सभी की सभी हमारी जी उच्च क्वालिटी की है। हाँ जी हाँ जी और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे कारीगर हैं जी वो भी स्पेशली है, जी जो जैसे एलिवेटर का काम करते हैं जी या मान लो डोली फिटिंग का काम है जी या जी झारने का काम है, जी तो हमारे स्पेशली सभी जो कारीगर है जी वो स्पेशली है। तभी आपकी जो कंपनी का नाम बहुत बड़ा है आज। आज किसानों की डिमांड यही रही है कि हम किसानों के सुझाव से ही हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जी। जैसे जैसे वो हमारे को कमियां बताते हैं, जी। हम उनमें वो कमियां उनकी दूर करते रहते हैं। जी। आप देख सकते हो सर, थ्रेसर बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से चेसिस और टापा यहाँ से तैयार होता है जी। ये इनका जो इनकी टीम है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये चेसिस और टापे तैयार करती है जी। इसके बाद के अंदर आगे का जो अंदर रोटर का काम है, व्हील का काम है, उनकी अलग है। यहाँ पे सीएनसी कटिंग चल रही है, ये अपने प्लाज्मा कटिंग है, दूसरे यूनिट पे दो है और एक ये तीन प्लाज्मा कटिंग है। यहाँ से शुरू होने के बाद में ये लाइन का काम आगे से आगे चलता रहता है जी। ये यहाँ पे लाइन बनी हुई है। हाँ जी। थ्रेसर पे काम होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। हाँ जी। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये पंखे बन गए थे। हाँ नहीं, ये अंदर का रोटर है। अच्छा, ये अंदर का रोटर होता है। हाँ, ये इसके अंदर भी बॉल्ट लगा लो या इसके अंदर जो प्लेट लगी हुई है, बैरिंग लगी हुई है, कापट है, सभी की सभी हैवी और उच्च क्वालिटी के लगे हुए हैं। नमस्कार जी, पर बैठे हुए हैं। और ये लाइन का काम है जो फिटिंग का है, अंदर मेन साफ़ का ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में धोनी का काम है, झारने का काम है, और उस साइड में अपने जो है छोटे मोटे जो स्पेयर पार्ट तैयार होते हैं, जैसे ट्यूल हो गया, पंखी होगी, वो सभी। और इस हिसाब से ये लाइन पे आगे से आगे अपने अपने जो मिट्टी है वो अपने काम करते हैं और फाइनल होते फाइनल तक लास्ट के अंदर निकल जाता है। हाँ जी, यहाँ आते आते बहुत सा थ्रेसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक लगभग मान के चलो आप 60-70 और वहाँ 100 कंप्लीट हो जाता है। हम देख रहे हैं काफ़ी स्पीड से कार्य चल रहा है। सीजन की फुल तैयारी है जी। हाँ, सीजन अच्छा है, बारिश भी अच्छी है चारों तरफ, थोड़ा इस बार थोड़ा मानसून लेट आया है। ये हम देख रहे हैं जी, आप बहुत अच्छे जो है टोकरी के लिए काफ़ी अच्छा बोल्ट यहाँ पे पूरा हैवी रॉ मटेरियल लगा हुआ है सर। इसको भी यानी जितना भी हम क्वालिटी देते हैं सर, किसान भाइयों को ये नहीं है कि एक बार फिर से ले जाने के बाद में कम से कम 5 से 10 साल देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है सर। ये पूरी लाइन अभी ग्राउंडनट थ्रेसर की चल रही है। यहाँ फाइनल टच होता है, उसके बाद में टायर और हिस्सा लगने के बाद में टैंक के लिए दूसरे यूनिट पे चली जाती है। अच्छा, यहाँ से सीधा कंप्लीट होके थ्रेसर यहाँ बाहर लग जाता है। अभी देखिए कितने सारे थ्रेसर लगे हुए हैं जो कि कंप्लीट है। डेली की डिमांड इतनी रहती है कि पिछले सालों हमारे ग्राहकों को वापस मोड़ना पड़ता था कि लेना है तो हमें एनवीटी ही थ्रेसर लेना है। हाँ जी हाँ जी, आज उन्हें की बदौलत है, उन किसान भाइयों का जोग है जी।
और जिससे कि हम उनके दिमाग के ऊपर खड़े उतर सकते। बिल्कुल सर, आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है किसान डिमांड करेंगे। इतना अच्छा थ्रेशर सभी को लेना रहता है तो सभी इसको पसंद करते हैं जी। ये तो सिर्फ किसानों की ही देन है जी। जितने भी मेरे किसान मित्र बंधु हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है, हम उसी बेस के ऊपर इसके अंदर चेंजिंग बदलाव करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। आपको हमने आपने हमको ये फैक्ट्री दिखाई कैसे थ्रेसर बनता है, इतनी सारी जानकारी हमको और हमारे किसान भाइयों की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी मेरे किसान भाइयों को। जय जवान जय किसान।